हेलो गाइस, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन आल्सो लॉग इन टू आवर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको नीट यूजी 2019 का जो पेपर पैटर्न आने वाला है, मैं वो उसको डिस्क्राइब करूँगा थोड़ा सा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। सो गाइस, जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो 3 घंटे का होता है, एज़ यू ऑल नो। एंड टोटल इसमें 180 क्वेश्चन होते हैं। 180 क्वेश्चन में से जो 90 क्वेश्चन, यानी कि जो हाफ आपका पेपर होता है ना, वो बायो में से आता है। तो आप अगर बायो की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें। और जो बाकी के 90 क्वेश्चन होते हैं उनमें से 45 और 45 आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में से आता है। तो 11th और 12th स्टैंडर्ड की आपकी जो भी क्वेश्चन होते हैं सारे उसमें से आते हैं, NCERT बुक्स में से। अगर आप उनको ढंग से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। एक जो मेन चीज़ इस पेपर पैटर्न के बारे में आपको बता दूँ, आपको हर राइट आंसर करने के, हर करेक्ट आंसर के आपको 4 मार्क्स तो मिलते हैं, बट इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सो इसलिए अगर आपको कोई आंसर ढंग से पता ना हो तो आप उसे ना ही करें तो बढ़िया है, क्योंकि खाली नेगेटिव मार्किंग से आपका स्कोर और कम हो जाता है। तो आप सोच समझ के आंसर दीजिए, अगर नहीं आता है तो उसे छोड़ दीजिए। और अगर आप बायो पर फोकस करेंगे तो बायो की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हाफ ऑफ द पेपर इज़ फ्रॉम बायो। सो और नीट की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप। एंड थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।